हेलो गाइस, मूवी एंड वेब सीरीज के इतने बड़े दुनिया में आज आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस एक्शन किंग ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने अपनी फिल्म में सिर्फ एक्शन से ही ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 20 बेस्ट ड्वेन जॉनसन मूवी। हम सभी जानते हैं ये जिस फिल्म में भी होते हैं उस फिल्म के एक्शन सीन नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप ड्वेन जॉनसन के फैन है तो इनकी फिल्म देख ही लिए होंगे। जो कोई भी इनकी फिल्म नहीं देखे है, इन फिल्मों को देखकर आप ड्वेन जॉनसन के फैन बन जाओगे। और खास बात, इस लिस्ट की सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 20 पे 2002 की द स्कॉर्पियन किंग मूवी एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में हमें दिखाया जाता है ड्वेन जॉनसन एक किलर होता है। उसे एक सुपारी मिलता है एक जादूगर औरत की मारने का। मूवी में आपको देखना है कि क्या ड्वेन जॉनसन उस जादूगरनी को मार पाते हैं या नहीं। मूवी एक्शन से भरा है, आप एक बार जरूर देखिएगा इस मूवी को। नंबर 19 पे 2009 की रेस टू बीच माउंटेन मूवी एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है दो बच्चों पृथ्वी पे आते हैं जो एलियन है, और पृथ्वी पे आते हैं कुछ मकसद से। उन्हें जाना होता है बीच माउंटेन, जिनमें मदद करते हैं हमारा हीरो ड्वेन जॉनसन। अगर नहीं जा पाए तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। वो कैसे, आप मूवी में देखिएगा। ये कमाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। नंबर 18 पे 2013 की पेन एंड गेन मूवी एक्शन कॉमेडी पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है कुछ दोस्तों से जो शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। मूवी में आपको एंड तक देखना है कि कैसे उन लोग अमीर बनते हैं, क्या क्या करते हैं। इस मूवी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा इस मूवी को। मूवी कमाल की है। नंबर 17 पे 2017 की स्निच मूवी एक्शन क्राइम पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्वेन जॉनसन के बेटे को, जो नॉर्मल और सीधा साधा बच्चा होता है। एक दिन अचानक उस पे आरोप लगाया जाता है कि वो ड्रग बेचता है। मूवी में देखना है कि ड्वेन जॉनसन अपने बच्चे को कैसे सही साबित करते हैं। ये एक अच्छी ड्रामा मूवी है, जरूर देखिएगा इसे। नंबर 16 पे 2013 की एम्पायर स्टेट मूवी क्राइम एक्शन पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है दो बचपन के दोस्त को, जो लोग चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी में देखना है कि कैसे ड्वेन जॉनसन उस चोरी को रोकते हैं। मूवी में लीड रोल में नजर आए थे थॉर के भाई लियोम हेम्सवर्थ ने। ये एक कमाल की मनी हिस्ट मूवी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस मूवी को। नंबर 15 पे 2014 की हरक्यूलस मूवी एक्शन फैंटेसी पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है हरक्यूलस किंग की, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। मूवी में देखना है कि वो कैसे अपने दम पर कई राज्यों पर जीत हासिल की थी। इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन एक अलग ही कैरेक्टर में नजर आएंगे, जो आपको काफी पसंद आएगी। एक बार तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस मूवी को। नंबर 14 पे 2008 की गेट स्मार्ट मूवी एक्शन कॉमेडी पे बेस्ड है। मूवी में हमें दिखाया जाता है एक सीक्रेट एजेंसी, जिनका काम होता है सीक्रेटली दुनिया को बचाना। एक बार विल को कॉल आता है कि मेरी मांगे पूरी करो वरना व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे। मूवी में देखना है कि ड्वेन जॉनसन और उसके टीम कैसे उस व्हाइट हाउस को बचाते हैं और उस टेररिस्ट को पकड़ते हैं। ये कमाल की एक्शन मूवी, आप जरूर देखिएगा। नंबर 13 पे 2010 की फास्टर मूवी एक्शन क्राइम पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है कुछ दोस्तों से जो लोग चोरी करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ड्वेन जॉनसन और उनके भाई को धोखा दे देते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। तभी ड्वेन जॉनसन कसम खा लेते हैं कि जब भी मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो एक एक करके सबको मार डालेंगे। इस मूवी में ड्वेन जॉनसन के एक्शन सीन देखकर आप फैन हो जाएंगे उनके, आप एक बार जरूर देखिएगा इस मूवी को। नंबर 12 पे है द रन डाउन, ये एक एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्वेन जॉनसन जो पैसे लेकर काम करता है। एक बार उसे काम मिलता है कि अमेजोन की जंगलों से एक लड़के को बचा कर लाए, पर ड्वेन जॉनसन को पता नहीं कि वो अनजाने में किससे पंगा ले रहे हैं। मूवी में आपको देखना है कि उस जंगल में उन्हें किन किन प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है और किन किन क्रिएचर से लड़ना पड़ता है। मूवी में एक्शन के साथ कॉमेडी भर भर के आप एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 11 पे 2012 की जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्वेन जॉनसन के बेटे ने एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ लेते हैं। मूवी में देखना है कि उस आइलैंड पे उन्हें किस किस क्रिएचर और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये एक कमाल की जंगल पे बेस्ड मूवी है, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। These are rocks or eggs.
नंबर 10 पे 2013 की जीआई जेओ मूवी एक्शन क्राइम पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्यून जॉनसन एक एजेंसी में काम करते हैं जिसे मुश्किल से मुश्किल टास्क को दिया जाता है। एक बार उन पे साइबर टेररिस्ट अटैक होता है जिसके वजह से न्यूक्लियर हथियार का कंट्रोल चुरा लेते हैं। मूवी में देखना है कि ड्यून जॉनसन उस साइबर अटैक को कैसे रोकते हैं। ये कमाल की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मूवी है, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। नंबर 9 पे 2016 की सेंट्रल एजेंसी मूवी एक्शन कॉमेडी पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्यून जॉनसन ने अपने देश को धोखा दिए है, उसके बाद पूरे न्यूयॉर्क की सिटी उसे पकड़ने के लिए लग जाती है। मूवी में देखना है कि क्या ड्यून जॉनसन अपनी बेगुनाही साबित कर पाते हैं या पकड़े जाते हैं। इस मूवी में ड्यून जॉनसन की कॉमेडी और एक्शन आपको जरूर पसंद आएगी मूवी को। नंबर 7 पे 2004 की वॉकिंग टॉल मूवी एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्यून जॉनसन स्पेशल आर्मी के सोल्जर हैं जो 8 साल के बाद घर आ रहे हैं और वो देखते हैं कि शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो ठान लेते हैं कि जाने से पहले ही शहर को क्राइम मुक्त करके जाएंगे। मूवी काफी कमाल की है, एक्शन तो भर भर के है, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। नंबर 6 पे 2015 की सैन एंड्रियास मूवी एक्शन थ्रिलर पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है एक भूकंप जिसके वजह से पूरी शहर तबाह हो चुकी है। तभी ड्यून जॉनसन को कॉल आता है कि उसकी बेटी और पत्नी फंसी है। मूवी में देखना है कि ड्यून जॉनसन अपने फैमिली के साथ लोगों को भी कैसे बचाते हैं। मूवी के स्टोरी और ग्राफिक्स शायद ही आपने कोई और मूवी में देखी होगी, तो आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इस मूवी को आप एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 5 पे 2005 की धूम मूवी एक्शन साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। मूवी में हमें दिखाया जाता है एक इंसान के अंदर अगर एक एलियन का डीएनए डाल दिया जाए तो क्या होगा। मूवी में देखना है कि एक इंसान के अंदर एक एलियन का डीएनए डाल दिया जाता है, उसके बाद वो इंसान एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और पूरी शहर को तबाह करना चाहता है। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखिए। नंबर 4 पे 2018 की स्काई कीपर मूवी एक्शन थ्रिलर पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया जाता है ड्यून जॉनसन एफबीआई एजेंट होते हैं जिन्हें हैंगकॉक में सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग स्काई कीपर पे उन्हें सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया जाता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल उस बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। मूवी में देखना है कि कैसे ड्यून जॉनसन उस बिल्डिंग के लोगों को बचाते हैं। ये कमाल की मूवी है, आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा इस मूवी को, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 3 पे ड्यून जॉनसन की बेहतरीन मूवी रैम्पेज, ये साइंस फिक्शन मॉन्स्टर मूवी है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कुछ साइंटिस्ट और जानवरों को डीएनए पे रिसर्च कर रहे होते हैं। एक बार इन जानवरों को डीएनए को हेर फेर करने की वजह से एक जानवर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। मूवी में आपको देखना है कि कैसे ड्यून जॉनसन अपने टीम के साथ पूरे दुनिया को बचाते हैं। ये कमाल की मूवी, अब शायद ही इसके जैसा ग्राफिक्स और एक्शन सीन देखा होगा, एक बार तो ट्राई करना बनता है इस मूवी को। नंबर 2 पे बेस्ड ड्यून जॉनसन के मूवी जुमांजी फिल्म सीरीज मूवी कॉमेडी एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चों जो गेम के जरिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं गेम की दुनिया में। मूवी में आपको देखना है कि उस गेम में उसे किस किस लेवल और क्रिएचर से लड़ना होता है और गेम को जीतना होता है। मूवी में तो एक्शन भर भर के है, साथ में कॉमेडी भी है। अगर आप एक बेस्ट जंगल वाला फिल्म देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 1 पे सबसे फेमस ड्यून जॉनसन की फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस। मूवी में क्या नहीं है, एक्शन एक से बढ़कर एक, कार स्टंट, कॉमेडी, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, रोमांस और आप जो एक मूवी में देखना चाहते हैं वो सब कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। ये मूवी कमाल की है, मास्टरपीस, सुपर हिट मूवी है, आप एक बार तो जरूर देखिएगा इस फिल्म सीरीज को, आपको मजा आ जाएगा। Crazy. ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। अगर आपको इस लिस्ट की मूवी को डाउनलोड लिंक चाहिए तो आइए टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। No, there ain't no stopping us.